पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा ने पार्टी कार्यालय में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। जिला और महानगर के संयुक्त कार्यक्रम में पार्टी की उपलब्धियों को बताया गया। महानगर प्रभारी वाई पी सिंह ने बताया कि कितनी योजनाएं चल रही हैं और कितने लोगों को लाभ मिला है। भाजपा कार्यालय में भाजपा के महानगर प्रभारी ने लाभार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ सभी को दिया है। उज्ज्वला, वन राशन, वन नेशन, आवास योजना, मुफ्त बिजली योजना, पेंशन योजना समेत कई योजनाओं में प्रदेश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वाई पी सिंह समेत जिला पंचायत अध्यक्ष और डॉक्टर शैफाली सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा, गिरीश बंडूला, कमल गुलाटी, राहुल सेठी, चंद्र प्रजापति, राजन विश्नोई, कमल प्रजापति, सर्वेश पटेल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। स्मार्ट साउंड। मोदी सरकार के 8 साल इस देश में पूरे हुए हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2014 में बनी थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी बने थे, तो देश के सामने उन्होंने कहा था कि हम अपनी सरकार के माध्यम से हर साल जो हम काम करते हैं, सरकार जो काम करती है, उसका ब्यौरा देश के लोगों को देंगे। और इसीलिए आज का जो ये कार्यक्रम है वो रिपोर्ट टू दी नेशन है, जो हमारा जो एक पत्रक है इसके माध्यम से जो प्रमुख काम हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो पूरे देश में किए हैं, उसका ब्यौरा आज हर डिस्ट्रिक्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में आज किया जा रहा है। उसी निमित्त आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अच्छा, क्या लगता है कितनी सफल सरकार रही है अब तक की? सरकार पूरी तरह से सफल रही है और मैं इस बात को के लिए भी कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे देश में जितने भी विभाग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, अद्भुत सफलता हासिल की है। जो हमारे लक्ष्य हैं वो हमारे हासिल हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारी विदेश नीति की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, हमारे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बिजली हमारे भरपूर व्यवस्था की जा रही है, यानी सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो, सीमा सुरक्षा हो, और चाहे हमारे श्रद्धा के सब केंद्र हों, आज देश के लोगों को लग रहा है कि आज पूरा देश एकजुट होकर संस्कृति को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैं पत्रकार बंधु आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल भी बुना है, उद्योगों का भी जाल बुना है, और हमने स्किल्ड के माध्यम से हमारे लेबरर्स, हमारे मजदूर, हमारे अलग अलग तरह के विद्यार्थी, हम सब लोगों को स्किल्ड बनाकर उनको रोजगार देने की भी बात कर रहे हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम बड़े बड़े उद्योग लगाकर चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज लखनऊ में हैं और लखनऊ में जाकर 66,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो उद्योगों में इन्वेस्टमेंट निवेश हो रहा है उसकी एक ग्राउंड सेरेमनी हो रही है, उसका भूमि पूजन आज हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि जब उद्योग लगता है तो ना केवल उसमें लोग रोजगार पाते हैं बल्कि बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी पाते हैं, और एक बड़ी बात भी आज पूरे देश में हो रही है, उसके शो भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। आज देश का नैरेटिव बदल रहा है, देश का परसेप्शन बदल रहा है, ना केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी भारतवर्ष का परसेप्शन बदल रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।